पंडित सियाराम तिवारी, चतुर्मुखी गायक पंडित सियाराम तिवारी का जन्म 10 मार्च 1919 में दरभंगा बिहार में हुआ। आपके पिता का नाम पंडित बलदेव तिवारी था, जो अपने समय के एक प्रतिष्ठित संगीतज्ञ थे। दस वर्ष की आयु से अपने नाना पंडित विष्णुदेव पाठक से आपकी संगीत शिक्षा प्रारंभ हुई। अपने पिताजी से गया घराने की ठुमरी, टप्पा, भजन तथा ख्याल आदि की शिक्षा व गायकी प्राप्त की। सन 1942 में आरा के रईस एवं तालुकेदार श्री शत्रुंजय प्रसाद सिंह उर्फ ललन बाबू के दरबार में 8 वर्षों तक रहे। उनके साथ जयपुर, जोधपुर, कोलकाता आदि अनेक संगीत सम्मेलनों में भाग लिया और जहां भी गए यश प्राप्त किया। अनेक स्थानों पर आपको सम्मानित किया गया। बिहार सरकार ने आपको विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया। सुर सिंगार परिषद मुंबई से स्वर विलास उपाधि दी गई तो भारत सरकार ने सन 1971 में पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया। यद्यपि आप चारों पट के गायक थे, किंतु ध्रुपद धमार के गायन में आप बेजोड़ थे। आपके नोम तोम के आलाप में समा बंध जाता था। लयकारी और साथ संगत में श्रोता आश्चर्यचकित हो जाते थे। उनका विचार था कि ध्रुपद के प्रचार के लिए हर राज्य में ध्रुपद मेलों का आयोजन होना चाहिए। इतना ही नहीं, वे तो यह चाहते थे कि भारत सरकार द्वारा ध्रुपद धमार संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए और वहां सभी शैलियों के साथ साथ ध्रुपद धमार की विशेष शिक्षा दी जाए। पंडित जी ने विदेश में अपने सुमधुर गायन से भारत का मस्तक ऊंचा किया। खेद है कि वे अब हमारे बीच नहीं रहे।